क्राइम फिलील, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज। आज दिनांक 7 अप्रैल 2020 को एरा गार्डियन एस्टेट के प्रोग्रेसिव ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी के सौजन्य से नगर निगम की टीम द्वारा कॉलोनी के अंदर सैनिटाइजिंग का कार्य किया गया। सभी गलियों में पूर्ण तरीके से सैनिटाइजिंग किया गया। नगर निगम की टीम की तरफ से सुपरवाइजर संजीव वैद्य व आरएडब्ल्यू एरा गार्डन के ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी साहब हाजी आशीष साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट की सोसाइटी प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद रिहान खान साहब व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रिहान भाई, आज एरा गार्डन कॉलोनी में क्या मामला पेश आया? एरा गार्डन कॉलोनी हमारी बहुत अच्छी कॉलोनी है, अच्छे समझदार लोग रह रहे हैं इसके अंदर और काफ़ी नियमों का पालन करा जा रहा है। जैसा कि भारत या दुनिया के सभी देशों के अंदर कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसी को देखते हुए आज नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर सैनिटाइजिंग की जाएगी और सभी कॉलोनी वालों का बहुत सहयोग हमें मिल रहा है और आरडब्ल्यू के मेंबर या सचिव साहब हमारे साथ में हैं, नगर निगम के सुपरवाइजर साहब हमारे साथ में हैं और भी जो कॉलोनी के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में हैं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और जो अनुशासन जो भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं हमारी कॉलोनी एरा गार्डन या स्टेट पूरी लगन और मेहनत से उनका पालन कर रही है। भारी व्यक्तियों का प्रवेश हमने बंद कर रखा है ज़्यादातर और जिन लोगों को मदद मिल रही है उनको मदद भी कॉलोनी की तरफ से की जा रही है और आगे भी जैसे जैसे भारत सरकार का निर्देश चलता रहेगा उसी पे हम कॉलोनी वासी एकजुटता के साथ में वही पालन करते रहेंगे। कहाँ कहाँ हो रहा है, किन किन जी? सैनिटाइजिंग तो पूरे हमारे मेजर जिले के अंदर ही चल रहा है। नगर निगम और नगर आयुक्त और स्वास्थ्य नगर अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं और कोई भेदभाव किसी के साथ में नहीं बरता जा रहा है क्योंकि ये महामारी से पूरी विश्व जूझ रहा है। इसमें कोई संप्रदाय का मामला नहीं है, सिर्फ एकजुटता के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और जो मदद जिससे हो रही है वो कर रहा है।